गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स माई सेल्फ डॉक्टर जयश्री डावरे असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ जोलॉजी पिछले लेक्चर में हम लोगों ने बेसिक्स ऑफ इम्यूनिटी के बारे में पढ़ा था इम्यूनिटी क्या होती है और कितने प्रकार की होती है ये हमने पिछले लेक्चर में पढ़ लिया था इसी टॉपिक को हम आज आगे कंटिन्यू करेंगे और पढ़ेंगे एंटीजन्स और एंटीबॉडीज़ के बारे में एंटीजन्स क्या होते हैं और उनका स्ट्रक्चर कैसा होता है सबसे पहले एंटीजन्स क्या होते हैं एन एंटीजन इज एन एनी सब्सटेंस दैट कॉजिज योर इम्यून सिस्टम टू प्रोड्यूस एंटीबॉडीज़ अगेंस्ट इट या दूसरे शब्दों में हम इसको कह सकते हैं एंटीजन वह सब्सटेंस होता है जो स्पेसिफिक एंटीबॉडी के निर्माण को प्रेरित करता है और फिर उससे कंबाइन हो जाता है एंटीजेनिसिटी ऑफ अ मॉलिक्यूल एंटीजेनिसिटी रेफर्स टू द कैपेसिटी ऑफ एंटीजन या वायरस टू बाइंड टू स्पेसिफिक एंटीबॉडी मोलिक्यूल्स एंटीजेंस का एक स्पेसिफ़िक कन्फिगुरेशन और केमिकल कंपोजिशन होता है और यह एंटीबॉडी स्पेसिफिसिटी शो करते हैं बड़े एंटीजेंस की सरफेस पर डिफरेंट टाइप के डिटर्मिनेंट्स प्रेजेंट होते हैं प्रत्येक डिटर्मिनेंट स्वयं के नेचर के अकॉर्डिंग स्पेसिफिक एंटीबॉडी डेवलप करता है जनरली प्रोटीन्स बेस्ट एंटीजेंस होते हैं फैक्टर्स जो एंटीजैनेसिटी को एंटीजैनेसिटी को अफेक्ट करते हैं वो हैं केमिकल नेचर एंटीजें्स मेनली पॉलीसेकेराइड या प्रोटीन नेचर के होते हैं फैट और न्यूक्लिक एसिड की अपेक्षा केमिकल कंपोजिशन वाले एंटीजेंस अधिक एंटीजेनिक होते हैं सेकेंड फैक्टर है जो एंटीजेनिसिटी को इफेक्ट करता है वो है सॉल्युबिलिटी। फॉरेन सब्सटेंसेस का बॉडी फ्लूड्स में इन इन्हें इन्फीरियर एंटीजेंस बनाती है गुड एंटीजेनिसिटी के लिए इंपॉर्टेंट है कि टिश्यू एंजाइम्स फॉरेन पार्टिकल्स को सॉल्युबल स्टेट में चेंज करें थर्ड फैक्टर है साइज स्पेसिफिक मॉलिक्यूल्स फॉर एग्जांपल थायरोग्लोबुलिन जो साइज़ में बड़े होते हैं और इनका मोलिकुलर वेट भी अधिक होता है अच्छे एंटीजेनिसिटी शो करते हैं फॉर एग्जांपल इंसुलिन जो कि लो मोलिकुलर वेट वाले एंटीजेंस होते हैं ये हाई मोलिकुलर वेट वाले एंटीजेंस से कम एंटीजेनिक होते हैं स्ट्रक्चर ऑफ एन एंटीजन एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन के अंतर्गत एंटीजन का वह भाग या वह हिस्सा जो एंटीबॉडी से कंबाइन करता है या एंटीबॉडी से जो उसका एंटीजन का पार्ट जुड़ता है उसे एपिटोप या एंटीजेनिक डिटर्मिनेंट कहते हैं इस तरह एंटीबॉडी मॉलिक्यूल का वह भाग जो एपिटोप से एंगेज होता है उसे हम पैराटोप कहते हैं द एंटीजेनिक डिटर्मिनेंट्स या एपिटोप्स आर द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एन एंटीजन टू विच एन एंटीबॉडी बाइंड्स। प्रत्येक एंटीजन पर पाए जाने वाले एंटीजेनिक डिटर्मिनेंट्स की संख्या को इसकी वैलेंसी कहते हैं किसी भी मॉलिक्यूल की टोटल वैलेंसी इसकी फंक्शनल वैलेंसी से डिफरेंट होती है फंक्शनल वैलेंसी की कैलकुलेशन एंटीजन की सरफेस से जुड़ने वाली एंटीबॉडी की संख्या को ज्ञात कर की जा सकती है अब हम पढ़ेंगे हेप्टेन्स के बारे में क्या होते हैं ये हेप्टेंस हेप्टेंस वे सब्सटेंसेस हैं जो स्वयं एंटीबॉडी फॉर्मेशन के लिए इनकेपेबल होते हैं या असमर्थ होते हैं लेकिन लार्ज डायमेंशन वाले मॉलिक्यूल से केमिकली बाइंड होकर टी सेल्स की हेल्प से एंटीबॉडी फॉर्मेशन इंड्यूस करते हैं ये लार्ज डायमेंशन वाले मॉलिक्यूल को हम कैरियर मॉलिक्यूल या एंटीजेनिक हेप्टेन कैरियर कहते हैं हेप्टेन इनकम्प्लीट एंटीजेंस होते हैं क्योंकि ये एंटीबॉडी से कंबाइन करने में इनकेपेबल होते हैं कैरियर से कंबाइन होने के बाद ही हेप्टेन्स इम्यूनोजेनिक होते हैं Carl Leinsteiner prepared heptanes by co covalently coupling diazonium derivatives of aromatic amines to lysine, tyrosine, and histidine residues of immunogenic proteins. These proteins were called carriers. यहाँ हम डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन या टेबुलर रिप्रेजेंटेशन द्वारा समझ सकते हैं कि एंटीजन के डिस्ट्रक्शन का मैकेनिज़्म फॉलोइंग फोर स्टेप्स में कंप्लीट होता है सबसे पहले इम्यून सिस्टम अपने स्वयं के पोटेंशियल एंटीजेंस और वह फॉरेन सब्सटेंसेस जो अतिक्रमण कर रहा है को डिफ्रेंशिएट करता है या पहचानता है इस पहचान पहचानने या डिफ्रेंसीेशन को कहते हैं इम्यूनोलॉजिकल रिकॉग्नाइजेशन फर्स्ट स्टेप होता है एंटीजेंस को पहचानना दैट इज इम्यूनोलॉजिकल रिकॉग्नाइजेशन सेकेंड स्टेप इम्यून सिस्टम उसके बाद बहुत सारी प्लाज्मा प्रोटीन्स की हेल्प से फॉरेन सब्सटेंसेस की लोकेशन निर्धारित कर उसे डिस्ट्रॉय करते हैं इस पूरे प्रोसेस को कॉम्प्लीमेंट सिस्टम कंट्रोल करता है थर्ड स्टेप में एंटीजन इम्यून व कॉम्प्लीमेंट सिस्टम के यौगिक के साथ इंटरैक्शन के फलस्वरूप बायोलॉजिकली एक्टिव सब्सटेंस बनाता है जो इम्यूनोलॉजिकली रिकॉग्नाइजेशन को बढ़ाते हैं इस प्रोसेस को हम एम्प्लीफिकेशन कहते हैं स्टेप फोर इस तरह के सब्सटेंसेस लोकल वेस्कुलर परमेबिलिटी को इंक्रीज करते हैं और कीमोटेक्टिकली ट्रांसमिशन सिस्टम में फ्लोइंग फेगोसाइटिक सेल्स को एक्टिव करते हैं ये प्रोसेस एक प्रकार का लोकल इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन उत्पन्न करता है उसके बाद फेगोसाइटिक सेल्स एंटीजन को इंजेस्ट करती हैं और डिग्रेड कर देती हैं तो ये तो था मैकेनिज़्म ऑफ एंटीजन डिस्ट्रक्शन अब हम पढ़ेंगे एंटीबॉडीज़ के बारे में एंटीबॉडीज़ ऑल्सो नोन एज इम्यूनोग्लोब्यूलेंस एंटीबॉडीज़ प्रोटीन्स होती हैं जिनका बॉडी में फॉर्मेशन किसी एंटीजन की प्रेजेंस के कारण स्पेशलाइज्ड लिम्फोइड सेल्स द्वारा होता है अब हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ एंटीबॉडीज या स्ट्रक्चर ऑफ इम्यूनोग्लोबुलिन्स। पोर्टर इडलमैन, निजोनोफ और उनके कलीग्स ने इम्यूनोग्लोबिन का डिटेल स्ट्रक्चर दिया था इम्यूनोग्लोबिन का एक मॉलिक्यूल की शेप इंग्लिश के लेटर वाई की समान होती है each molecule of immunoglobin consists of two pairs of polypeptide chains of different sizes held together by disulfide bonds इसमें से हम स्मॉलर चेन यानी कि छोटी वाली चेन को हम लाइट चेन कहते हैं और लार्ज चेन को हैवी चेन कहते हैं जिनका मोलिकुलर वेट होता है पच्चीस हज़ार व पचास हज़ार रिस्पेक्टिवली यानी कि छोटी चेन का मोलिकुलर वेट होता है पच्चीस हज़ार और बड़ी चेन का हैवी चेन का वेट होता है फिफ्टी थाउजेंड था। इम्यूनोग्लोबिन की फाइव क्लासेस होती हैं यानी कि इम्यूनोग्लोबिन पांच प्रकार का होता है प्रत्येक क्लास में स्ट्रक्चरली और एंटीजेनिकली डिस्टिंक्ट एच चेन्स होती हैं जिनको हम ग्रीक लेटर से इंगित करते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल इम्यूनोग्लोबुलिन गामा, सेकंड सेकेंड एल्फा थर्ड म्यू फोर्थ डेल्टा एंड फिफ्थ एप्सिलॉन जिनको हम डिटेल्स में बाद में पढ़ेंगे पहले हम इम्यूनोग्लोबिन का स्ट्रक्चर कैरी ऑन करेंगे एल चेन्स में सभी इम्यूनो एल चेन्स सभी इम्यूनोग्लोबुलिन क्लासेस में सेम होती हैं और ये दो वेराइटीज़ में प्रेजेंट होती हैं पहला कप्पा एंड दूसरा लेमडा यानी कि एल चेन्स दो वेराइटी में प्रेजेंट होती हैं कप्पा एंड लेमडा इम्यूनोग्लोबिन के एक मॉलिक्यूल में या तो कप्पा मिलेगा या लेम्डा चेन मिलेगी परंतु दोनों एक साथ कभी नहीं मिलती हैं एल चेन कंसिस्ट ऑफ टू पोर्शंस यहाँ डायग्राम में हम क्लियरली देख पा रहे हैं कि प्रत्येक चेन के दो पोर्शंस हैं एक है कांस्टेंट रीजन और दूसरा है वेरिएबल रीजन

यानी कि वाई शेप में जो अमीनो टर्मिनल एंड होता है वो वेरिएबल रीजन बनाता है और इसमें वेरिएबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है डिपेंडिंग अपॉन द स्पेसिफिसिटी ऑफ द एंटीबॉडी मॉलिक्यूल एल चेन में कांस्टेंट और वेरिएबल रीजन अप्रॉक्सीमेटली इक्वल लेंथ के होते हैं जबकि एच चेन में वेरिएबल रीजन केवल वन फिफ्थ ही होता है कांस्टेंट रीजन ज़्यादा बड़ा होता है जबकि वेरिएबल रीजन केवल वन फिफ्थ ऑफ द लेंथ होता है इम्यूनोग्लोबुलिन मोलिक्यूल में दो तरह के डायसल्फाइड बॉन्ड्स पाए जाते हैं पहला है इंटर चेन बॉन्ड जो कि एल और एच चेन्स के बीच में होता है यानी कि इंटर चेन दोनों चेन के बीच में यह बॉन्ड पाया जाता है सेकेंड टाइप का बॉन्ड है इंट्रा चेन बॉन्ड इंट्रा मतलब एक ही चेन के अंदर इंट्रा चेन बॉन्ड पेप्टाइड चेन में लूप बनाता है और प्रत्येक लूप कॉम्पैक्टली फोल्ड होकर ग्लोबुलर डोमेन बनाता है एल चेन में दो डोमेन्स पाए जाते हैं जबकि एच चेन में चार से पाँच डोमेन्स होते हैं दोनों चेन्स के वेरिएबल रीजन के डोमेन्स यानी कि एच चेन और एल चेन के वेरिएबल रीजन के डोमेन्स स्पेसिफ़िक एंटीजन बाइंडिंग साइट बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं जैसा कि हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि एंटीबॉडी वाई शेप्ड होती है इनका स्ट्रक्चर वाई शेप्ड होता है और वाई के दोनों आर्म्स के ओरिजिन पॉइंट्स फ्लेक्सिबल होते हैं जिन्हें हम हिंज कहते हैं एंटीबॉडी के इसी फ्लेक्सिबल पार्ट के नियर बाई एरियाज़ पर डिफरेंट एंगल्स बनाते हुए एंटीजन के बड़े मॉलिक्यूल्स कंबाइन होते हैं और वाई शेप्ड एंटीबॉडी की आर्म्स घूमकर मॉलिक्यूल के वेरिएबल रीजन्स को एंटीजन के रिएक्शन के लिए कांटेक्ट में लाती हैं ये तो था स्ट्रक्चर एंटीबॉडी का अब हम पढ़ेंगे डिफरेंट क्लासेस ऑफ इम्यूनोग्लोबिन डब्ल्यू एच ओ के क्लासिफिकेशन के हिसाब से इम्यूनोग्लोबिलिन को पांच क्लासेस में बांटा गया है जैसा हमने अभी ऊपर पढ़ा था गामा एल्फ़ा म्यू डेल्टा और एप्सिलोन सबसे पहले हम लेंगे इम्यूनोग्लोबुलिन गामा, इट इज द मेन सीरम एंटीबॉडी जो ब्लड लिम्फ और टिश्यू फ्लूड्स में प्रेजेंट होती है इट इज अ फोर चेन मोनोमियर इम्यूनोग्लोबुलिन की गामा क्लास ही केवल ऐसी एंटीबॉडी है जो प्लासेंटा से क्रॉस करके मदर के फिटस तक पहुंचती है इम्यूनोग्लोबुलिन गामा को फोर सब क्लासेस में बांटा गया फर्दर सब क्लासेस में बांटा गया है इम्यूनोग्लोबुलिन गामा वन टू थ्री एंड फोर ईच पोजेसिंग अ डिस्टिंक्ट टाइप ऑफ गामा चेंज। सेकेंड टाइप आता है इम्यूनोग्लोबुलिन अल्फा टाइप ये एंटीबॉडी कोलोस्ट्रम सलाइवा लंग्स इंटेस्टाइन और टीयर्स की मेजर एंटीबॉडी है ये फेगोसाइटोसिस और इंट्रा किलिंग ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को प्रमोट करती है इम्यूनोग्लोबुलिन अल्फा एग्जिस्ट एज अ मोनोमियर इसे भी फर्दर दो सब क्लासेस में बांटा गया है अल्फा वन एंड अल्फा टू थर्ड क्लास ऑफ इम्यूनोग्लोबुलिन है म्यू मॉलिक्यूल इज अ पेंटामेयर ऑफ the basic four chain antibody structural unit the units are held together by disulfide bonds and by a single copy of polypeptide known as j chain यह एंटीजन के रिस्पांस में प्रोड्यूस होने वाला फर्स्ट एंटीबॉडी है इनो इम्यूनोग्लोबुलिन एम प्राइमरली ब्लड प्लाज्मा में पाया जाता है जो धीरे धीरे इंटरस्टिशियल फ्लूड में एंटर करता रहता है इस एंटीबॉडी में वायरस के प्रति हाई बाइंडिंग एफिनिटी होती है इसको भी फर्दर दो क्लासेस में बांटा गया है इम्यूनोग्लोबुलिन एम वन एंड एम टू फोर्थ वेराइटी ऑफ एंटीबॉडीज़ है इम्यूनोग्लोबिलिन डेल्टा इम्यूनोग्लोबिलिन डेल्टा इज़ अ मोनोमेरिक इन नेचर ये कई सेल्स की सरफेस पर पाए जाते हैं लेकिन इनके फंक्शंस अभी क्लियरली अंडरस्टूड नहीं हैं इन्हें भी फर्दर दो सब क्लासेस में बांटा गया है इम्यूनोग्लोबिलिन डेल्टा वन एंड टू द लास्ट क्लास ऑफ इम्यूनोगोग्लोबिन इज इम्यूनोग्लोबिलिन एपसिलोन ये मेनली टिशूज में पाए जाते हैं यह बहुत कम मात्रा में होती हैं और प्राइमरिली बेसोफिल्स और मास्ट सेल्स पर एक्ट करते हैं आई से ये सेल्स कंबाइन हो जाती हैं और जब एंटीजन से एक्सपोज किए जाते हैं तब ये अपने इंटरस्टिशियल कंटेंट्स हिस्टामिन व वेरन को रिलीज़ कर देती हैं दिस क्लास ऑफ इम्यूनोग्लोबिलन इज़ मोर कॉमनली एसोसिएटेड विद एलर्जिक डिजीज सच एज एस्थमा एंड हे फीवर इसी के साथ ही आज का लेक्चर हम यहाँ ख़त्म करेंगे और नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शंस थैंक यू स्टूडेंट्स